यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन बहुत अलग अलग आ रहा है, तो उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। स्टेशन के बारे में क्या बोलूँ, स्टेशन को तो पूरा एक राजमहल के जैसा बना के रखा है। तो हमारा त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचा है, तो मेरा बांग्लादेश का व्यूअर्स को देखने को मिल गया हमारा त्रिपुरा का मनु नदी का नज़ारा। शायद मनु नदी का नाम कुछ चेंज हो गया आपका बांग्लादेश में जाके। तो साथियों नमस्कार, आज मेरा ये त्रिपुरा का लास्ट ब्लॉग है फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं आज वापस रिटर्न बेंगलुरु जा रहा हूँ और सुबह सुबह 5:30 बजे मैं निकल चुका हूँ घर से। मुझे विदाई करने के लिए मेरा घर वाले सब आउटसाइड आ रहे हैं, मतलब मेरा घर के रोड तक आ रहे हैं, देख सकते हैं। सबसे विदाई ले रहा हूँ यहाँ से। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कुमारघाट रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ तक मुझे लेके आया मेरा भाई, जो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं बाइक से जा रहा है रिटर्न। और यहाँ बारिश बहुत हुआ है आज, तो हम चलेंगे अभी यहाँ से कुमारघाट रेलवे स्टेशन से सीधा अगरतला तक पहुँचेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:46, अभी फ़िलहाल ट्रेन आने वाला है। यह कुमारघाट रेलवे स्टेशन का नज़ारा, तो ट्रेन में जाने वाले लोग भी बहुत है। यार ट्रेन हमारा आ चुका है, अभी हम यहाँ से रवाना होंगे कुमारघाट से अगरतला के लिए। साथ ही अभी कुमारघाट से ट्रेन छोड़ेगा, कुमारघाट से अगरतला पहुँचेंगे और अगरतला से बेंगलुरु। तो यहाँ पे भीड़ देख से पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, लेकिन मैं इधर ही आउटसाइड पे खड़ा हूँ। मुझे जाना है इसी ट्रेन से जाना है, बट आउटसाइड पे खड़ा हूँ, इतना भीड़ में कौन जाएगा। आराम से जाएंगे, चाहे सीट मिले चाहे ना मिले। भीड़ में नहीं चढ़े, सबसे लास्ट में आराम से चढ़े, लेकिन हमको अच्छा सा एक सीट मिला। ये देखिए साइड में 10:30 बजे तक अगरतला तक हम पहुँच जाएंगे। तो अभी समय आ चुका है हमारा कुमारघाट को, प्यारा सा कुमारघाट को टाटा अलविदा कहने का। तो चलिए मिलते हैं और कुछ दिनों के बाद, चलो बाय बाय। तो बात ऐसा है कि दोस्तों, मैं ये वीडियो पूरा टोटली बेंगलुरु जाके क्लोज करूँगा, तो आपको खाली ट्रेन का सफ़र नहीं, उधर का भी व्यू देखने को मिलेगा। तो हमारा कुमारघाट से अगरतला तक जितना स्टेशन मिलता है, हम कोशिश करेंगे आज के ब्लॉग में सभी स्टेशन का व्यू आपको दिखाने की। तो चलिए, कुमारघाट से तो ट्रेन छोड़ दिया, अभी कुमारघाट से अगरतला जाने में फर्स्ट स्टेशन जिसका नाम है कालकाटा, इसमें है अभी हम। तो आज कोशिश करेंगे आपको कुमारघाट टू अगरतला जाने में कितना स्टेशन है सब दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, कितना हमको मिस हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे सभी स्टेशन का नाम आपको दिखाने की। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, अभी हम पहुँचे हैं कुमारघाट से दूसरा स्टेशन का नाम है मनु, यहाँ तक पहुँचे हैं। करीब हमको 10 स्टेशन क्रॉस करना है। तो अच्छा लग रहा है, सुबह का मौसम बहुत मस्त है, थोड़ा बारिश हुआ था सुबह सुबह, अभी थोड़ा अच्छा फ्रेश हवा आ रहा है। तो चलते हैं, ज़्यादा आउटसाइड वेट करना सही नहीं है, चलता हूँ। तो साथियों बात ऐसा है कि हमको सीट भी मिला था, अच्छा सा सीट मिला था, ये देखिए विंडो सीट जो मिला था। अभी मैं सीट से उठ चुका हूँ, क्योंकि आपको सभी स्टेशन सभी अच्छा व्यू अगर आपको दिखाना है, तो बैठे रहते हुए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं अपना सीट छोड़ दिया। लगेज तो ऊपर ही है, लेकिन मैं सीट छोड़ दिया। अभी जो ब्रिज दिखाया यही है जो मनु स्टेशन का मनु नदी, जो हमारा त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचा है। तो मेरा बांग्लादेश का व्यूअर्स को देखने को मिल गया हमारा त्रिपुरा का मनु नदी का नज़ारा। शायद मनु नदी का नाम कुछ चेंज हो गया आपका बांग्लादेश में जाके, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मनु नदी का नाम बांग्लादेश में जाके क्या हुआ है। तो बांग्लादेश का व्यूअर्स जो भी देख रहा है, तो कॉमेंट कीजिएगा हमारा जो त्रिपुरा का मनु नदी है, जो कैलाशर होके आपका बांग्लादेश में घुसा है, कौन सा नाम है। और दिखाया हमारा मनु स्टेशन और मनु ब्रिज को, जो मनु नदी को दिखाया, जो मनु स्टेशन के बाद में आता है। तो बने रहिए, अभी हमारा आ रहा है 3rd स्टेशन, नाम कुछ याद नहीं, अभी देखता हूँ कौन सा आता है। पहुँच चुके हैं 3rd स्टेशन, जो कि नाम है SK पारा। मनु के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है, इसका नाम है SK पारा। तो ये 3rd है, और भी हमको करीब 7 स्टेशन क्रॉस करना है, फिर आएगा हमारा अगरतला।
तो चलते हैं। अभी देखिए ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। साथियों ऐसे आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिखाने का बात बोल के क्या दिखा रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ यही सबसे कीमती चीज़ है जो नेचर है। तो मैं जो यहाँ खड़ा होके यहाँ ट्रेन में सफ़र करके जो महसूस कर रहा हूँ ना, जो नेचर के बीच से जो गुजरता है, जो नेचर लवर है बहुत करीब से उसको फील करना चाहता है, तो वो आप नेचर के बीच आके ही फील कर सकते हो ऐसे ट्रेन का सफ़र में। हवाई जहाज़ का सफ़र, बस का सफ़र तो अलग है, लेकिन ट्रेन का सफ़र में आप नेचर को इतना करीब से फील कर सकते हो, इतना महसूस कर सकते हो, वो जो ट्रेन में सफ़र करता है उनको मालूम होगा। हमारा त्रिपुरा जो है वो हिली स्टेट है, आप सबको मालूम होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा जो है पूरा का पूरा हिल्स ही है, तो हम हिल्स को ही आपको दिखा रहे हैं हमारा ब्लॉग में। तो जो नेचर लवर लोग हैं बिल्कुल स्किप मत कीजिए यार। अभी ये है कुछ जौहर नगर स्टेशन है जो कि चौथा स्टेशन है, तो अभी फ़िलहाल हम इसमें उतर नहीं रहे हैं, ऊपर ही खड़ा रहता है। क्या करें, आउटसाइड का ये है व्यू, ये दोनों साइड का व्यू मैं आपको दिखा दिया। अभी उतरता नहीं हूँ, ट्रेन पे ही खड़ा रहता हूँ। एक्चुअली ऐसे बार बार उतरना सही नहीं है, इसीलिए मैं भी नहीं उतर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो डोर ओपन करके रखा है ना, ये भी सही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, लोकल ट्रेन हो चाहे कोई भी ट्रेन हो, ट्रेन में हमेशा डोर ओपन ही रहता है, तो ठीक है। रूल्स तो बहुत कुछ है, सब तो फॉलो नहीं कर सकते, जितना हो फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे जब ट्रेन चालू है तब हम अंदर ही बैठते हैं, ऐसे आउटसाइड में नहीं आते। तो चलते हैं, अभी ट्रेन स्टार्ट हो गया तो चलते हैं अंदर में। तो हम पहुंच चुके हैं कुमारघाट से अगरतला जाने का सबसे बड़ा जंक्शन, जिसका नाम है अम्बासा रेलवे स्टेशन, जो कि पांचवा रेलवे स्टेशन है। शायद यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकता है, क्रॉसिंग है तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा हमको, लेकिन ट्रेन से है ना अभी आउटसाइड जाके ऐसे कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। तो कोशिश करेंगे सभी स्टेशन का कम से कम बोर्ड जो नाम है उसको दिखाएंगे। तो साथियों हमने थोड़ा बहुत ढूंढ लिया, लेकिन आज का सफ़र में मैं पूरा अकेला हूँ, कोई भी नहीं मिला, कोई भी साथी, कोई भी जान पहचान वाला नहीं मिला, तो उतना आगे तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि स्टॉपिज है, कितना टाइम रुकेगा पता नहीं, और मैं अकेला हूँ, मेरे लगेज भी आगे रख दिया है, तो कोई मिला नहीं जान पहचान वाला, चलते अकेला ही सफ़र करेंगे क्या। अभी हम पहुंचे हैं नंबर 6 स्टॉप, जो 6वां स्टेशन है, जिसका नाम है मुंगिया कामी। ये स्टेशन तक अभी पहुंचे। तो अभी हम आए 7वां स्टेशन, जिसका नाम है तेलियामुरा। अभी और 3 स्टेशन है, तब तक पहुंच जाएंगे हम अगरतला। तो साथियों करीब 2 घंटा खड़ा होने के बाद हम फिर से वापस अपना सीट पे आ चुके हैं, और मेरा सीट पे जो भैया था वो भी मुझे सीट दे दिया। तो मेरा सीट नहीं, एक्चुअली इसे जनरल पे तो किसी का सीट नहीं होता है, जो बैठता है उसका ही होता है। आउटसाइड का एक मस्त व्यू आ रहा है, मतलब नेचर का, ऐसा कुछ तो है नहीं हमारा त्रिपुरा में, तो जो भी जहाँ भी देखेंगे नेचर का ही ब्यूटी है नहीं, तो नेचर का थोड़ा अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, मस्त लग रहा है। मतलब यह खिड़की के पास बैठ के जो, और आज का वेदर तो बहुत मस्त हो रहा है, बहुत बहुत मस्त हो रहा है, जो ठंडी ठंडी हवा आ रहा है, मतलब सफ़र का मज़ा बहुत अच्छे से आ रहा है। तो साथियों हम क्रॉस कर चुके हैं जो 3rd टनल था। एक्चुअली धर्मनगर से अगर आप डायरेक्ट अगरतला आएंगे तो टोटल 5 टनल मिलता है, और हम कुमारघाट से आ रहे हैं इसीलिए 3 टनल मिलता है। जो 2 टनल है वो ये एक 5 नंबर टनल दिखा होगा, ये जो स्टार्टिंग धर्मनगर से होता है 2 टनल, और कुमारघाट से 3 टनल, 3rd टनल क्रॉस कर चुके हैं, अभी और कोई टनल नहीं। और करीब हम 9:45 के अंदर हम अगरतला तक पहुंच जाएंगे ऐसा उम्मीद है, देखते हैं, इतना लेट भी नहीं है, और ये तो लोकल है, आराम से
पहुँच जाएंगे 10 बजे के अंदर, और हमको इतना जल्दी भी नहीं, आराम से जाएंगे, करीब 4:30 हमारा फ्लाइट है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं 8वां स्टेशन पे, जिसका नाम है जिरानिया रेलवे स्टेशन, जो कि कुमारगढ़ से जाते हुए 8 नंबर रेलवे स्टेशन है। अभी और 2 ही स्टेशन है, एक है आएगा योगेंद्र नगर करके, और उसके बाद आएगा हमारा आगरतला। तो बस एक ही स्टेशन क्रॉस करके हमको पहुंच जाएंगे आगरतला तक। तो मेरे पीछे यहाँ पे कुछ हमारा त्रिपुरा का कुछ ट्रेडिशनल नृत्य होता है, जिसको हमारा ट्राइबल समुदाय इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसका कुछ इसमें डेमो दिखाया गया है, कुछ नमूना दिखाया गया है, लेकिन इसको मैं अंदर जाके दिखाता तो आपको अच्छा लगता, तो मैं आउटसाइड से यहाँ से दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये हमारा ट्रेडिशनल, हमारा त्रिपुरा का एक फेमस डांस है। तो हम आके पहुंच चुके हैं जो आगरतला के 9वां स्टॉप पे, जो 9th पे आता है जोगेंद्र नगर। तो यहाँ पे आने के बाद पूरा 90% ट्रेन पूरा खाली हो रहा है, यहाँ पे चढ़ने वाला कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ से आगे जाने वाले कोई नहीं है, हम तो उधर ही जाएंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेन खाली हो रहा है। तो ये है योगेंद्र नगर स्टेशन, अभी इसके 5 मिनट के दूरी पे आगरतला रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म होगा। 6:50 को कुमारगढ़ से स्टार्ट किए थे, अभी हो रहा है 9:30 हो रहा है, तो और 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे आगरतला। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग में आपको पूरा का पूरा कुमारगढ़ टू आगरतला ट्रेन सफ़र में कितना स्टेशन, सब कुछ मैं जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन बहुत अलग अलग आ रहा है, तो उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मतलब कोई कोई सोच रहा होगा ये क्या है, बार बार ट्रेन से नीचे आ रहा है, आके क्या क्या बात कर रहा है, तो छोड़ो पब्लिक रिएक्शन तो आता रहेगा। अभी चलते हैं, 5 मिनट की दूरी है, हम पहुँच जाएँगे आगरतला तक। मैं बोल रहा था करीब 90%, ऐसा लग रहा है कि 100% खाली हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, योगेंद्र नगर से जो आगरतला मेन सिटी है वो बहुत नियर बाय आता है, इसीलिए सभी लोग योगेंद्र नगर पे ही सब उतर जाते हैं, आगरतला पे बहुत कम लोग ही पहुँचते हैं। तो हमको तो आगरतला तक ही पहुँचना है, तो है चलिए, हमारा ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। हम पहुंचने वाले आगरतला रेलवे स्टेशन पे, तो अपना सामान वामान सब ले लिया है, अभी चलते हैं, क्योंकि हमको उतना भाग दौड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, तो आराम से जाएंगे। चलते हैं, फिलहाल 2 मिनट के अंदर ही हम आगरतला पहुंच जाएंगे। तो साथियों, आखिर तक आके हम पहुंच चुके हैं आगरतला रेलवे स्टेशन पे, अभी फिलहाल यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ, लगेज वगैरह सब ले लिया है। यहाँ पे भीड़ भाड़ कुछ नहीं पूरा, क्योंकि 95% ट्रेन योगेंद्र नगर स्टेशन पे ही खाली हो चुका है, अभी पूरा फ्रेश ट्रेन है, प्लेटफॉर्म में ज़्यादा आदमी भी नहीं। तो चलते हैं फिलहाल ऊपर, एक्चुअली जो आगरतला रेलवे स्टेशन है इसका नज़ारा मस्त है, हमारा त्रिपुरा में मतलब आगरतला रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया से बनाया है। अभी फिलहाल उसके बाद में और 2 एक स्टेशन है वो अच्छे से बनाया, लेकिन पहले आगरतला ही बेस्ट था मेरे हिसाब से। ये रहा जो टिकट काउंटर का जो आउटसाइड का व्यू है, मेरे ऊपर देख सकते हैं, बहुत मस्त से बना है, जो डिज़ाइन किया गया है। ये लेफ्ट में आता है जो टिकट काउंटर, अभी हम जा रहे हैं आउटसाइड। तो एयरपोर्ट पे जाने के लिए बहुत सारा, मतलब टैक्सी की कमी नहीं रहेगा, ऑटो टैक्सी गाड़ी तो बहुत है, लेकिन हम आराम से जाएंगे, उतना जल्दबाजी हमको नहीं है, हम आराम से चलेंगे। या पीछे देख सकते हैं एयरपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग आवाज़ लगा रहे हैं, हम आराम से पहुंचेंगे, टेंशन नहीं। पहले आपको पूरा स्टेशन का दिखाता हूँ, मैं आउटसाइड जाता हूँ, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सबके सब एयरपोर्ट बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे यहाँ से जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से आपको दिखाना है जो आगरतला रेलवे स्टेशन है, उसको दिखा देता हूँ, फिर मैं चलूँगा
एयरपोर्ट तक। तो मैं यहाँ से ट्वेल साइड होके आ चुका हूँ आउट साइड में, दिखाता हूँ आपको पूरा अगरतला रेलवे स्टेशन का नज़ारा। मैं आउट साइड में आ चुका हूँ, अभी सबसे पहले दिखाता हूँ हमारा देश का तिरंगे को, बहुत मस्त लहरा रहा है झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो सबसे पहले हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं और आपको दिखाते हैं अगरतला रेलवे स्टेशन का नज़ारा को अच्छे से, फिर आराम से हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट तक। तो एक्चुअली सभी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे एयरपोर्ट तक जाना है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ अच्छे से, फिर चलेंगे एयरपोर्ट में। और मेरा लगेज ना बहुत ज़्यादा वेट हो गया, शायद इस बार मुझे फ़ाइन देना पड़े, तो देखते हैं दो है एडजस्ट करके चले जाएंगे। आने का टाइम भी आया था, कुछ फाइन वाइन नहीं देना पड़ा, अभी देखते हैं जाने का टाइम क्या सीन होता है। एक्चुअली क्या है ना, जब घर आते हैं तो कई सारे कुछ चीज़ जहाँ वहाँ पे जो नहीं मिलता है वो सब हमको लेके जाना पड़ता है वहाँ पे फ्रेंड्स लोगों के लिए। तो ये एक हमारा रीति रिवाज के जैसा बन गया, जैसे हम कोई घर में आते हैं तो घर से जाने के टाइम में दोस्त लोगों के लिए, फ्रेंड्स लोगों के लिए ऐसा सबके सब कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो मैं भी इस बार ज़्यादा ले लिया, ऐसे कुछ नहीं मतलब फूड वगैरह छोटा मोटा, तो ड्राई फिश वो सब नहीं मिलता है ना वहाँ पे, तो वही हम लेके जाते हैं। मैं जो डिज़ाइन किया है मतलब एक महल के जैसा लग रहा है, स्टेशन करके पता नहीं होता है, उसे मालूम नहीं होता है, स्टेशन आउटसाइड से देखने से एक महल के जैसा लगता है। तो स्टेशन के ठीक फ्रंट साइड पे यहाँ पे तो तिरंगा है, और तिरंगा के ठीक आगे यहाँ पे रखा गया है जो मूर्ति वगैरह रखा गया है, ये एक हमारा त्रिपुरा का ट्रेडिशनल डांस होता है, इसको अच्छे से दर्शाया गया है, मतलब एक मूर्ति की जरिए से समझाया गया है। जो पूरा डांस आप ये जो देख पा रहे हैं, ये पूरा हमारा त्रिपुरा का अपना ट्रेडिशनल डांस है। तो अच्छा लगा यहाँ पे, इसको हम जो भी विजिट करने को आता है, जो भी स्टेशन पे यात्री लोग आते हैं, सबको सबसे पहले तिरंगा और उसके बाद हमारा जो त्रिपुरा का ट्रेडिशनल डांस है वो नमूना दिखाया गया है इसमें। तो चलिए अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ऐसा बनाया गया है। तो और ये साइड में तो मैं स्टेशन के बारे में क्या बोलूँ, स्टेशन को तो पूरा एक राजमहल के जैसा बना के रखा है। एक्चुअली क्या है ना, 6:45 कुछ हम कुमारगढ़ से रवाना हुए थे और एक्यूरेट टाइम से थोड़ा पहले ही आके पहुँच गए हम अगरतला तक। तो टाइम तो है बहुत हमारे पास, क्योंकि हमारा 3:30 को बोर्डिंग है, 3:30 को बोर्डिंग है, तो अभी टाइम बहुत है। तो पहले चलेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो फ्रेश भी होना है, ऐसे होटल वोटल की ज़रूरत नहीं है, हम इसे आराम से उधर वहाँ जाके एयरपोर्ट के साइड पे कुछ फ्रेश हो जाएंगे, फिर खाना बना खाएंगे और चलेंगे, और जितना हो सके मैं दिखाया। तो साथियों क्या है ना कि मेरे हिसाब से ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो इसको ब्लॉग में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा मैं त्रिपुरा आया था, वो तो आपने कई सारे ब्लॉग देखे होंगे त्रिपुरा का, आया था त्रिपुरा, आज रिटर्न जा रहा हूँ। तो आज देखा मैं घर से निकला, कुमारगढ़ आया, कुमारगढ़ से थोड़ा बारिश बहुत हो रहा था उस टाइम पे, तो ब्लॉग नहीं किया अच्छे से, जितना भी किया दिखाया आपको पूरा कुमारगढ़ टू अगरतला था, पूरा 10 रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू आपको दिखाया, नाम दिखाया स्टेशन का, तो और हमारा त्रिपुरा का जो नेचर का ब्यूटी है उसको भी दिखाया। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करता हूँ, पार्ट वन ये रहेगा और पार्ट टू रहेगा अगरतला हवाई अड्डे से बेंगलुरु तक की सफ़र। एक्चुअली मुझे भाया गुवाहाटी होके भी, एक्चुअली मैं गुवाहाटी का एयरपोर्ट नहीं देखा है, आज भाया गुवाहाटी होके भी मुझे जाना पड़ेगा, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जितना मेरे नज़र में आएगा उस दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट और एक ब्लॉग पे, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।